Hey guys, this is SK Raj and you are watching Tech Buzz. इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ कैसे आप Realme One में YouTube पॉपअप मोड को एनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ कि इसके फायदे क्या हैं। तो गाइस, अगर आप जो है YouTube पॉपअप मोड को एनेबल कर लेते हैं, देन आप YouTube वीडियोस को देखने के साथ साथ अदर्स काम जैसे कि WhatsApp, Facebook ये सब काम भी जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं तरीके बताने वाला हूँ, इस तरीके से आप Realme One में नहीं, आप अदर्स एंड्रॉइड मोड में जो है आप पॉपअप मोड को एनेबल कर पाएंगे। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की ट्रिक्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो YouTube पॉपअप मोड को एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन है और डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। देन अगर आप चाहते हैं यहाँ पे किसी चैनल या फिर वीडियो को सर्च करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बस सर्च पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपने चैनल को सर्च कर लेता हूँ, और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप कैसे मिनिमाइज कर पाएंगे, मतलब पॉपअप मोड कैसे एनेबल कर पाएंगे। तो यहाँ पे बस आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से आपको जो है फ्लोटिंग विंडोज को यहाँ पे जो है एनेबल करना है। तो यहाँ से मैं एनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा वाइट मिनी, तो इसे मैं एनेबल कर लेता हूँ। देन आपको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद फिर से यहाँ पे आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा। तो यहाँ पे लोडिंग जो है हो चुका है। तो चलिए उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसको दोस्तों यहाँ पे आपको होम बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप होम बटन पे प्रेस करेंगे, देन आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका वीडियो जो है पॉपअप मोड में आ चुका है। तो इस तरह से जो है अपने वीडियो को जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। तो गाइस, ये था पहला तरीका। तो आप जो है अपने YouTube एप्लीकेशन से डायरेक्ट आप जो वीडियो को पॉपअप मोड में चला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन यहाँ से आपको क्या करना है, देन यहाँ से आपको अपने जो है कोई भी एक वीडियो को प्ले करना है। जैसे कि मैं अपने चैनल का वीडियो यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्ले करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एक शेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है वाइट मिनी पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको वाइट मिनी पे आ जाएगा। देन यहाँ से आपको जो है अपने होम बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप होम बटन पे प्रेस करेंगे, देन ये जो है पॉपअप मोड में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपने YouTube वीडियो को जो है पॉपअप मोड में ला सकते हैं और अपने वीडियो को जो है एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही में जो है अदर्स काम WhatsApp, Facebook ये भी कर सकते हैं। तो आई होप ये एप्लीकेशन आपको पसंद आएगा, ये छोटा सा ट्रिक जो है आपको पसंद आएगा। तो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।